हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन टेस्टी कुकिंग बाय सोनिया। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी एक वेजिटेबल सब्जी लेकर आई हूँ, जिसे हम लौकी कहते हैं, दही वाली लौकी घिया। तो ये यहाँ पर हमने एक छोटी सी लौकी ली है घिया, उसको हमने छील के धोकर इस तरीके से काट लिया है। और अब हम आगे की रेसिपी पे चलें। यहाँ पर हमने स्टोव को ऑन कर दिया है, फिर आपने कढ़ाई रखनी है, थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक टेबलस्पून हमने जीरा ऐड करना है, क्यूमन सीड। जीरा ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर थोड़े से हींग डालनी है, फिर हमने इसमें हाफ अनियन हमने ऐड कर देनी है, अच्छे से हमने प्याज को भून लेना है। प्याज भुनने के बाद हमने इसमें दो हरी मिर्चें डाल देनी है, ग्रीन चिली। फिर हमने इसमें 1 टेबलस्पून भर के हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको भून लेंगे। ये भुनने के बाद अब हमने इसमें लौकी को ऐड कर देना है घिया। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने 5 मिनट इसको ढक के पकाना है। अब हमने ढक्कन हटा के देखना है। अब हमने एक एक करके इसमें सभी मसाले को ऐड करना है। यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून हमने सूखा धनिया ऐड करना है, 1/2 टेबलस्पून हमने रेड चिली पाउडर ऐड करना है, 1/2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे हल्दी ऐड की है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे हम ढक के अब इसे पकाएंगे। अब हमने ढक्कन हटा के देख लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑयल आ चुका है ऊपर। तो अब हमने यहाँ पर कसूरी मेथी को ऐड करना है, थोड़ा सा हम हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें कटा हुआ। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर हमने दही को ऐड करना है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने वापस स्टोव को ऑन कर देना है। और हम 1-2 मिनट के लिए इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। यहाँ पर इस टाइम ये सब्जी तैयार हो चुकी है, दही वाली लौकी। तो अब हमने स्टोव को बंद कर देना है, और जब ये थोड़ा 5-7 मिनट के बाद हमने इसमें दही को ऐड करना है। 1 कप दही हमने ऐड की है, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड करना है,
और हम इसको हरा धनिया से गार्निश करेंगे। ये आपकी गर्मियों की सब्जी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। आप इसे दोपहर में गरम गरम रोटियों के साथ इसे खाइए और इंजॉय करिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मोर वीडियो देखने के लिए, और फैमिली फ्रेंड्स में मेरी रेसिपी को शेयर करें, और आप बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। अब मैं आपको एक नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।